Hey everyone, this is Saveri. Welcome back to my channel. Hope you guys doing well. तो अभी हम जा रहे हैं मासी के घर. एक्चुअली ये वाला व्लॉग मार्च का है. हम लोग मार्च में गए थे तो मैंने ये व्लॉग शेयर नहीं किया हुआ था, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ. तो हम लोग यहाँ पे लीनू को छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि मासी के घर इसको हम लेके नहीं जा सकते. तो या हम लोग पहुँचते थोड़ा सा लेट हो गया था. ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप, तो चलिए एंजॉय करते हैं. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. तो ऑलरेडी हम लोग कल पहुँचते शाम हो गई थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया हुआ था. तो अभी मैं आई हुई हूँ मासी के घर के पीछे ना ऐसे खेत है, तो मैं वहाँ पे ऐसे घूमने आई हूँ. मैं और मम्मी दोनों ही बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. वो होती तो बहुत ही खुश होती. तो चलिए चलते हैं, अभी नहा लेते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे घूमने. तो मैं ऐसे नीचे देख के क्यों चल रही हूँ, क्योंकि इसी जगह पे चल रही हूँ. अगर मैं नज़र हटी तो मैं इधर गिर सकती हूँ या फिर उधर गिर सकती हूँ, इसीलिए चलते हैं. रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर घूमने निकलते हैं. तो स्टे ट्यून गाइज. तो यहाँ पे वुड फायर में फ्राइड फिश बन रहा है, तो हम लोग आज ब्रेकफास्ट में खाने वाले हैं पखड़ा. एंड बिंग एन ओडिया पखड़ा हमारे लिए एक इमोशन है. ये नॉर्मली एक डिश नहीं है, ये एक इमोशन है. तो एक साथ मिलके ऐसे बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और है. तो लेट्स गो, लेट्स एंजॉय द ब्रेकफास्ट. तो यहाँ पे हमारा प्लेटर रेडी हो चुका है. तो ये रहा पखड़ा, उसके साइड में फ्राइड फिश, फिर साइड में कोरिएंडर चटनी, उसके साइड में बॉडी चूरा जो कि पखड़ा बॉडी चूरा के बिना अधूरा होता है, और ककड़ी. फिर ये रहा पागो, इसका स्पेशली एक रेसिपी मैं शेयर करूँगी. बेसिकली ये चोखा की तरह होता है. तो ये रहा अमेंथ लीव्स का फ्राई. तो या लेट्स एंजॉय. 2000 years later. तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद, इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट करने के बाद, हम लोग 3-4 घंटों तक फ्लैट हो गए थे, लाइक सो गए थे. और पखड़ा खाने के बाद तो नींद भी बहुत अच्छे से आ जाता है, तो हम लोग सो गए थे. फिर अभी हम निकल रहे हैं, यहाँ पे एक माता जी की मंदिर है, वहाँ पे हम जा रहे हैं. एंड गाइस, मैं पखड़ा का जो साइड डिश होता है ना, मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी, आप लोग साथ शेयर करूँगी. अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो. अच्छे से दर्शन हो जाने के बाद अभी हम जा रहे हैं वैदेश्वर, वहाँ पे सिंहनाथ टेम्पल जा रहे हैं. तो ये रहा उड़ीसा का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज, जिसका नाम है टी ब्रिज. टी ब्रिज क्यों, इसका जो शेप है टी शेप में है, तो इसीलिए इसका नाम कुछ इस तरीके से रखा गया है. तो नदी के अंदर जो दूर से जो पहाड़ दिख रहा है, वहाँ पे ही मंदिर है. और इस ब्रिज के बनने से पहले लोग बहुत ही तकलीफ़ उठाकर आते थे, लाइक बोट से आते थे और बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते थे. तो ये ब्रिज बनने के बाद आराम से दर्शन हो रहा है. एंड मंदिर बहुत ही सुंदर था, अच्छे से दर्शन भी हो गया. तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस डाल दूंगी, अगर कोई भी आप लोगों में से आना चाहेगा तो या एक्सप्लोर कर सकेगा.
ओके, तो हम अभी आए हैं रामनाथ टेम्पल। तो आज बेसिकली हम सारे टेम्पल्स घूम रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत बार मासी के यहाँ आई हूँ बट कभी भी मौका नहीं मिला घूमने के लिए। तो अभी तो हम 2-3 दिन के लिए आए हैं, तो या तो घूमना चालू है। तो ये रहा रामनाथ टेम्पल, और बहुत ही सुंदर सा मंदिर है और नदी के साइड में है। तो बोला जाता है कि जो सिंहनाथ है ये इनके भाई हैं रामनाथ, और एक भाई वैद्यनाथ। वहाँ पे हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि शाम हो गई थी। एंड ये रहा मेरा हैंडसम ब्रदर, एंड हियर इज़ आवर बच्चा पार्टी। तो ये सारे भतीजियाँ हैं, तो फोटोज़ क्लिक कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। तो या अभी हम निकल रहे हैं, एंड या आज का घूमना हो चुका है ख़त्म। तो ये रहा नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे, और हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कहीं पे जाने के लिए बट मन नहीं किया घर पे रहने के लिए, चिल मारने के लिए हम लोग बैठ गए घर पे। तो या और मैंने शाम को प्रिपेयर किया था चिकन पकोड़ा, फिर मैंने प्रिपेयर किया था डिनर के लिए। बेसिकली दिन में हम लोग चिल मार रहे थे, तो हम लोग मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो रात को डिनर में मैंने यहाँ पे पनीर मखनी बनाई थी, तो मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसका रेसिपी। तो या एंड सब लोग बोल रहे थे कि अच्छा बना था, आई डोंट नो। The next day. तो यहाँ पे हम लोग वॉक के लिए निकले हैं, एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे गांव का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद है पर्सनली। आई डोंट नो कि आप लोगों में से किसको पसंद है या फिर नहीं है, बट पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ऐसे होते हैं जो कि हम लोग शहर में रह के मिस करते हैं। लाइक हमको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, या हमारा तो गांव नहीं है। और यही एक मासी है जो कि गांव की रहने वाली है, और बाकी तो सारे हमारे घर के इर्द गिर्द रहते हैं। तो या यहाँ पे आना बहुत ही अच्छा लगता है, और यहाँ पे ज़्यादा भी आना नहीं हो पाता, बट या आई लव दिस प्लेस। तो या बहुत ही मज़ा आया, 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए, एंड मासी की कमी बहुत ही महसूस हो रही थी, और यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे। तो या और ये दोनों मिल गए निकलते टाइम, और ये दोनों अच्छे से पोज कर रहे थे लिटरली गाइस। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस द फर्दर नोटिफिकेशंस अबाउट माय वीडियोस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, लव यू ऑल गाइस।